जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माता रानी आपकी सभी दुख हरें और आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां लेकर आए। नवरात्रि में दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। इससे माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है। माँ दुर्गा के आगमन से आपके जीवन में खुशियों का नया संचार आरम्भ होता है। तो ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए पान के पत्ते के कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से ये उपाय करें। नवरात्रि के किसी भी दिन आप पान के एक पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र लिखकर उनके चरणों में अर्पित कर दें। माँ दुर्गा का बीज मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी ये मंत्र नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल जादुई मंत्र है। आप जैसे ही पान के पत्ते पर ये मंत्र लिखकर दुर्गा माँ के चरणों में अर्पित करेंगे, तुरंत ही आपकी सारी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी और आपके चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना किस प्रकार है। आप जैसे ही दुर्गा माँ के चरणों में ये पान का पत्ता रखें, इसके बाद आप नवमी तिथि के दिन इस पान के पत्ते को एक लाल कपड़े में बांध दें और उसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी आर्थिक समस्या हो, आप जैसे ही ये उपाय करेंगे, आप तुरंत ही अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे और आपके जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है और आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा। अब आप दूसरा उपाय नोट कर लीजिए कि नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। अब नवरात्रि के 9 दिनों बाद आप पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तीसरा उपाय, यदि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इसके लिए नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में आपको प्रतिदिन पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद इसे आप अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। इससे आपके व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे और आपकी जो बिजनेस डील कई सालों से अटकी पड़ी है, आप देखिएगा वो तुरंत ही सारी डील हो जाएंगी और आपके जीवन में चारों तरफ से धन संपत्ति के योग बनेंगे। चौथा उपाय, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश है, हमेशा आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, सास और बहू की हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो दोस्तों ऐसे में आपको ये उपाय करना है। आप पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा माँ को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है और आपके घर से कलेश समाप्त हो जाएगा। आप पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर इस पत्ते को नवमी वाले दिन वहां से हटाएं और वहां से हटाने के पश्चात आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी कलेश था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। आपकी जिस भी प्रकार की समस्या थी, जिस भी प्रकार की घरेलू समस्या से आप जूझ रहे थे, वह सब समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार पान के पत्ते का कोई भी उपाय करिए। ये सारे उपाय इतने अचूक और शक्तिशाली उपाय हैं कि आप इन उपायों को करने के बाद मुझे खुद आकर बताएंगे। अब दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।